नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम लाते हैं रोमांचक कहानियां और अद्भुत तथ्य। क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास की सबसे दूर यात्रा एक छोटे से अंतरिक्ष यान ने की है, वॉयेजर 1, जिसे 1977 में नासा ने लॉन्च किया था। आज 23 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। ये न केवल हमारी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा का भी प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉयेजर 1 की अद्भुत यात्रा की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों जुपिटर और सैटर्न का अध्ययन करना। वॉयेजर 1 और इसके जुड़वा यान वॉयेजर 2 को नासा के ग्रैंड टूर प्रोग्राम के तहत डिजाइन किया गया था। ग्रैंड टूर एक दुर्लभ खगोलीय संयोग था, जब हमारे सौर मंडल के चार बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून एक सीधी रेखा में थे। वॉयेजर 1 ने जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजरते हुए अद्भुत खोजें की। जुपिटर यह यान वहां के विशाल तूफानों जैसे ग्रेट रेड स्पॉट और आयो नामक चंद्रमा के सक्रिय ज्वालामुखियों की तस्वीरें लेकर आया। सैटर्न वॉयेजर 1 ने सैटर्न के छल्लों और इसके चंद्रमा टाइटन की गहन जानकारी दी। टाइटन पर पाए गए वातावरण ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इन खोजों ने हमें हमारे सौर मंडल को एक नई दृष्टि से समझने का मौका दिया। जुपिटर और सैटर्न का मिशन पूरा करने के बाद वॉयेजर 1 ने सौर मंडल के किनारे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। 1980 के दशक के अंत तक यह हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में पहुंच गया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी बाकी थी। '90 में वॉयेजर 1 ने इतिहास की सबसे यादगार तस्वीर ली, पेल ब्लू डॉट। यह तस्वीर पृथ्वी को 6 अरब किलोमीटर की दूरी से दिखाती है, जहां हमारी पूरी पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु के रूप में नजर आती है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सेगान ने इसे हमारे अस्तित्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, हम सब उसी छोटे बिंदु पर रहते हैं। इस तस्वीर ने हमारी जगह और महत्व को ब्रह्मांड के विशाल परिप्रेक्ष्य में दिखाया। '2012 में वॉयेजर 1 ने एक और मील का पत्थर पार किया। इसने हीलियोपॉज को पार करके अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया। हीलियोपॉज वह सीमा है जहां सूर्य का प्रभाव खत्म हो जाता है और तारों के बीच की जगह शुरू होती है। यह पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई जो सौर मंडल के बाहर पहुंची। वॉयेजर 1 के साथ एक बहुत ही खास चीज भेजी गई थी, गोल्डन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की संस्कृति, संगीत, भाषाएं और तस्वीरें शामिल हैं। इसे डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी संभावित विदेशी सभ्यता को हमारे बारे में जानकारी दी जा सके। इसमें 55 भाषाओं में संदेश, वाक और बीटल्स का संगीत और यहां तक कि एक बच्चे के दिल की धड़कन की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। आज वॉयेजर 1 लगभग 23 अरब किलोमीटर दूर है और लगातार डेटा भेज रहा है। हालांकि इसका ऊर्जा स्रोत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 2025 तक काम कर सकता है। इसके बाद यह यान एक शांत दूत बनकर ब्रह्मांड के अंधकार में अपनी यात्रा जारी रखेगा। वॉयेजर 1 न केवल एक यान है, बल्कि यह मानव जिज्ञासा, साहस और अन्वेषण का प्रतीक है। इसने हमें दिखाया कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारे सपने कितने बड़े हो सकते हैं। इसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, यह थी वॉयेजर 1 की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए ब्रह्मांड की इस अनंत यात्रा का आनंद लेते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।